तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप, आप सभी का फिर से हमारे छोटे से YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे दोस्तों मैं आप सभी को बताना, अपनी गवर्नमेंट टैक्स रिलेटेड काफी सारी छोटी छोटी अपडेट व इन्फॉर्मेशन अपने YouTube चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों अभी आज हम बात करने वाले आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर, आपने कम्प्लीटली इसके अंदर खट्टर लेकर यहाँ पे इसके अंदर आपको काफी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे दोस्तों अभी अब आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट टैब के अंदर आपको आपके स्कूल के द्वारा या फिर आपके टीचर के द्वारा दिया गया काम आपको इसी के अंदर करना पड़ेगा। जिन दोस्तों यहाँ पे आपका ओपन स्कूल आई डी, अफसर एप्लीकेशन, प्रीपेड एग्जाम्स या फिर सी जी जो भी स्लेट है, वो चार एप्लीकेशन सब वो अच्छे तरीके से अभी भी वर्क नहीं कर रही, जिसका मेन कारण है दोस्तों यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड के अंदर, जैसे कि आपके वाले में कंप्लीटली खट्टर, और दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर आपका जो गवर्नमेंट टैब है उसके अंदर कंप्लीटली अभी वो वर्क नहीं कर रहा। इसका मेन कारण दोस्तों यहाँ पे जब भी आप स्टूडेंट के उसी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोज या फिर वेटिंग फॉर डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, जिसका मेन कारण है कि आपका गूगल प्ले है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है इसके अंदर वो भी अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो इसके अंदर आपको क्या करने की, अपने प्ले स्टोर से अगर फुल नॉर्मल है तो यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर से आप उन चार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जिनके कंप्लीटली इसके अंदर खट्टर, तो यहाँ पे आपको चारों एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ओके करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। काफियों के अभी भी डाउनलोड नहीं हुए, जिसका मेन कारण है कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करा था। तो तुरंत से आप अपनी गवर्नमेंट टैब के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट टैब के अंदर आप ओपन स्कूल आईडी वर्क नहीं करेगी तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसका मेन कारण है कि यहाँ पे आपके टीचर आपको बार बार बोलेंगे कि आपको अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर स्कूल का काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करने की, आपने अगर आपके पास खुद लैपटॉप और पीसी है तो यहाँ पे आप खुद रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि काफी सारे बच्चे खुद ही यूज कर लेते हैं, जिनको नहीं पता तो वो आपको क्या करना है कि किसी न किसी से हेल्प लेने ही, और दोस्तों यहाँ पे रीसेट करने के बाद या फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे दोबारा से आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर सभी एप्लीकेशन वर्क करेगी। जैसे दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर कंप्लीटली वर्क नहीं कर रही थी तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रीसेट करने के बाद दोबारा से इसके अंदर चार एप्लीकेशन आ गई थी और वो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी। इसके अंदर थोड़ी सी डार्क देखने को मिल रही थी, अब वो कम्प्लीटली वर्क कर रही है। तो दोस्तों पे अगर आपको छोटी सी अपडेट व इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा ना, बेल आइकन प्रेस करना, आपके लिए ऐसी अपडेट व इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा।